Hello children, today we will do part B of chapter 14, okay, unity in diversity. So efforts of diversity and equality. अब हम देखेंगे कि diversity जो है विभिन्नता और जो equality है उसको बनाए रखने के लिए क्या efforts हमें करने हैं या क्या government द्वारा या हमारी country में किए जा रहे हैं. Various type of diversity are seen in our country. हमने देखा कि बहुत अलग अलग type के diversities हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डांस, लैंग्वेज, कास्ट. डिस्क्रिमिनेशन इन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज, और इन्हीं डाइवर्सिटीज़ की वजह से कई बार भेदभाव भी देखने को मिलता है. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूलर एंड कास्ट आर सीन इन आवर कंट्री. तो अमीर गरीब का, मेल फीमेल का, लिटरेट शिक्षित अशिक्षित का, अर्बन मतलब शहरी, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, रूरल्स, तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलते हैं. डिस्क्रिमिनेशंस मीन्स भेदभाव. इन द एंशियंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ना सिस्टम. ठीक है, तो जो एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में ऐसा था कि जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था. मतलब जिसका जो ऑक्यूपेशन है वहाँ पर उस एरिया में वो लोग रहेंगे. जैसे राजा का एक जो लोग होते थे साहूकार लोग, उनका जो एरिया था वो फिक्स था. फिर जो उनसे लोअर थे उनका फिक्स था. तो दे ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप रिमेन बैकवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिकली. ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ कास्ट जो ग्रुप रहे वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रह गए. हैंस डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस. और हम कास्ट के बेस पर भी डिफरेंसेस देखते हैं. मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई. अभी जो लिटरेट पीपल हैं उनको अच्छी जॉब मिल जाती है जिस वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है. दे मेंटेन रेपुटेटेड स्टेटस इन द सोसाइटी. सोसाइटी में एक उनका रेपुटेशन होने लगता है, एक स्टेटस उनका हाई हो जाता है. डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इनलिटरेट कैन बी सीन. तो इस वजह से जो लिटरेट और इलिटरेट हैं ये हमें देखने को मिलता है कि वो पढ़ा लिखा था इसलिए उसे अच्छी जॉब मिल गई, उसके पास पैसे हो गए इसलिए लोग उसको पूछते हैं. तो इस तरीके का भेदभाव देखने मिलता है. मोस्ट ऑफ दैट पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया. ज़्यादातर लोग जो हैं इंडिया में वो गांव में रहते हैं. अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल एरिया. और शहरों में अर्बन रूरल एरिया के कंपेयर में लोग कम हैं अर्बन एरियाज़ में. ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैव अराइजन अमॉन्ग रूरल एंड अर्बन पीपल. अभी जो डिफरेंसेस हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, जिस वजह से उनके उनके रहन सहन में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. सिंस राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस अनटचबिलिटी. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद राइट टू इक्वालिटी का जो एक रूल पास किया गया जिसमें अछूत का जो है वो निकाल दिया गया. नाउ द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. अब जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं, न्याय मिलता है, उनका स्टेटस होता है. RTE, राइट टू एजुकेशन जो हैज़ गिवन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन. सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. तो ये RTE है जो राइट टू एजुकेशन की वजह से एक कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया है जो कि हर एक व्यक्ति ले सकता है प्राइमरी एजुकेशन. गवर्नमेंट हैज़ एनहांस द एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक विलेज रोड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट. अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जैसे कि गांव के जो रोड्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, पीने का पानी है, बिजली है, जिस वजह से कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है. इक्वल अपॉर्चुनिटी आर ग्रांटेड टू वुमन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सो डैट देयर ऑनर एंड रिस्पेक्ट कैन बी मेंटेन. अभी वुमेन को, जो लेडीज़ हैं उनको भी एक समान अवसर दिया गया है, फीमेल को भी हर एक सेक्टर में, जिस वजह से उनका जो रिस्पेक्ट है वो बना रहा है. बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पीपल फॉलो देयर ऑन रिलीजन. अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है इक्वालिटी का, इसमें पीपल को ये राइट है कि वो अपना रिलीजन फॉलो करें, स्पीक देयर ऑन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ऑन फेस्टिवल. डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. और आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये देखने को मिला कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव की जो भावना है वो लोगों में कम होने लगी.
Some seats are kept reserved for the people of certain caste in the election of Gram Panchayat to Parliament. अभी कुछ seats reserve रखी जाती है कुछ caste के लिए, जैसे कुछ caste के लिए seats reserve होती हैं कि इन seats पर वही लोग apply कर सकते हैं, जैसे Gram Panchayat से लेके Parliament तक जो भी ऐसे recruitments होते हैं. Same thing is considered in the matter of job also. कुछ jobs में भी ऐसा ही होता है कि आपके लिए सीट रिजर्व है कि इस पर इसी कास्ट के लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं. हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप्स एंड स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द स्टूडेंट आर इम्प्लीमेंटेड सो डेट ऑल कैन गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इन सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फील्ड. तो ये जो स्कीम्स, स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस की हैं, हेल्प का जो है, इन सब की वजह से समान अवसर सबको मिल रहा है. और आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक बेसिस पर सब लोग डेवलप हो रहे हैं. नाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़. अभी गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो हम देखेंगे, यानी जो भेदभाव है. नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमेन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट. अभी नेशनल डेवलपमेंट में नॉट ओनली इन इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि एक वुमेन का एक स्पेशल रोल प्ले होता है उनके डेवलपमेंट के लिए. ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद अ सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़. अभी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से विद अ सोशल एंड कल्चरल व्यू ऐसा है माना जाता कि उनके ग्रोथ में दोनों में, बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट ऑल्सो. सो इसलिए उनके डेवलपमेंट में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. टुडे मेजॉरिटी ऑफ वुमेन रिमेन एंगेज इन कुकिंग, हाउस होल्ड कोर्स एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन. ठीक है, अभी मेजॉरिटी है जो वुमेन का, वो क्या है कि घर के काम का संभालो, बच्चों को संभालो, बस उन्हें बड़ा करो, यही सब देखना है. वुमेन डोंट हैव इम्पोर्टेंस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स. वुमेन को कोई राइट नहीं दिया जाता कि वो फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग में कोई भी अपना डिसीजन या ओपिनियन दे सके. गर्ल्स आर डिप्राइव ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स. गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन. ठीक है, गर्ल्स का जो हेल्थ है वो भी मतलब इतना स्ट्रांग नहीं माना जाता है. और ये भी कहा मतलब स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है. दे आर डिप्राइव ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. ठीक है, तो दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली. गर्ल्स आर विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज. ठीक है, गर्ल्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, उनको चाइल्ड मैरिज, उनके बाल विवाह हो जाते हैं, पर्दा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, डॉरी सिस्टम एंड अदर इविल कस्टम बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट. अभी जो लिटरेसी रेट है वो इतना कम है जिस वजह से ये सारे सिस्टम्स अभी भी कई राज्य में फॉलो किए जा रहे हैं. बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस सो गर्ल बिकम विक्टिम ऑफ फीमेल फर्टिसाइड. ठीक है, अभी बॉयज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है इसलिए गर्ल्स का जो है विक्टिम बनती है, फीमेल वो कहा जाता है कि भ्रूण हत्या जो की जाती है गर्ल्स की देखकर, तो ये सारे चीज़ उसके शिकार बन जाते हैं. लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली. अभी जहाँ पर फीमेल की क्वांटिटी कम है, ठीक है, वहाँ क्लियर शो होता है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज़ एंड गर्ल्स में. विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग. तो ये जो एजुकेशन अगर जितना ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा, तो हम शायद डे बाय डे इसमें कमी देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा. तो एक लिटरेट पीपल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की सोच में डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी रेट को हाई करना ज़रूरी है. एफर्ट्स टू रिसीव डिफरेंसेस टुवर्ड्स फीमेल. अभी डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज फॉर्म इन 1992, ये किया गया. नारी अदालत हैव बिन एस्टैब्लिश सो डैट वुमेन कैन ईजिली गेट जस्टिस. वुमेन वेलफेयर सेंटर वर फॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वुमेन. ठीक है, उनका वेलफेयर सेंटर खोला गया. सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड कंबाइन एफर्ट टू इंक्रीज रेशियो ऑफ गर्ल एजुकेशन. सोसाइटी को, गवर्नमेंट को मिलकर ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे गर्ल्स एजुकेशन को
सपोर्ट हो सके, बढ़ सके. लॉ हैव बीन फ्रेम टू एंश्योर इक्वल ऑनरशिप इन फैमिली प्रॉपर्टी. फैमिली की प्रॉपर्टी में गर्ल्स को भी सेम राइट्स मिलना चाहिए. स्ट्रिक्ट लॉ हैव बीन फ्रेम टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम एंड फीमेल फर्स्ट फर्टिसाइड. ठीक है, इसमें स्ट्रिक्ट रूल निकालना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, डॉरी सिस्टम नहीं, पर्दा सिस्टम नहीं, फीमेल फर्टिसाइड नहीं. मैनी प्रोग्राम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 1918 आवर कंट्री टू एंश्योर डैट वुमेन रिसीव इक्वल स्टेटस एजुकेशन एंड सोसाइटी. 1980 में कई ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए जिसको इक्वल स्टेटस मिल सके, उनको एजुकेशन मिल सके और सिक्योरिटी भी मिल सके. तो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके के एफर्ट्स होने चाहिए ताकि रिमूव हो सके डिफरेंसेस. तो हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर. चैप्टर नंबर 14 इज़ कंप्लीटेड हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. एंड सी दिस वीडियो 2-3 टाइम्स एंड क्लियर योर डाउट्स. ओके, थैंक यू.